हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2022 के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो पीसीएम से हैं या फिर पीसीएमबी से हैं और जिन लोगों ने बीसीसी 2022 एग्जाम दिया है, ये वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही है। कई विद्यार्थियों मन में ये डाउट है, सर क्या बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग के लिए ये काउंसलिंग शुरू हो गई है? तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो कोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है या फिर बीटेक एजी है या फिर आपका बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहले तो आप ये स्पष्टीकरण समझ लें, ठीक। बहुत से विद्यार्थी कल शाम से कमेंट कर रहे हैं, सर बीएससी एजी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, चॉइस फिलिंग कैसे होगा, हमें कुछ पता नहीं है, नंबर ऑफ सीट क्या है। तो कई सारे आपके जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, सही से आप इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे। हालांकि अभी तक जो प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए काउंसलिंग को लेकर के जो नोटिफिकेशन आता था, मेरे पास में एक नोटिफिकेशन 2021 का है, शायद आप इसको सही शायद देख ना सकें। तो देखिए, 2021 का नोटिफिकेशन है, इसमें पीसीएमबी पीसीएम या फिर जो आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का कंबाइंड नोटिफिकेशन आता था। इस बार 2022 में इन्होंने ऐसा किया है कि जो विद्यार्थी पीसीएम और पीसीएमबी से है या फिर एग्जाम दिए हैं बीसीसी का 2022 का, अगर वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जो सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में, प्राइवेट में और आपके गवर्नमेंट कॉलेज में, उन सब के लिए ये एक नोटिफिकेशन है, वो विद्यार्थी यहाँ पर जा सकते हैं। अब आप बात करेंगे, सर हम पीसीएम से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए हमने अप्लाई किया, मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करेंगे यानी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर आप बी फार्मा और जो कोर्स करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उस वीडियो में भी स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो नोटिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। हालांकि कई लोग जो है इसको स्किप कर देते हैं, इस चीज समझ सही से बता नहीं पाते हैं वो जो है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए एक बात है, समझ लें, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी निजी मतलब प्राइवेट अभियंत्रण मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए पहले एक। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मॉपअप काउंसलिंग, यानी ये मॉपअप काउंसलिंग नोटिफिकेशन है इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। जिन लोगों ने बीसीईसी एग्जाम पीसीएम से दिया है या फिर पीसीएम भी सब्जेक्ट है तो फिर आप इसको कर सकते हैं, जो पीसीएम बी वाला पीसीबी के थ्रू जो कोर्स होते हैं उसको कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर नर्सिंग कोर्स है, पीसीएम थ्रू जो भी एलिजिबिलिटी दी गई आपको इंजीनियरिंग करने के लिए वो कोर्स कर सकते हैं। तो ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों की नोटिफिकेशन है। अब मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये आपका मॉपअप काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है। अब लिखा हुआ नामांकन उपरांत शेष रिक्त सीटें, यानी जो सीटें खाली बची हैं बीसीसी 2022, आपने एग्जाम दिया अगर पीसीएम और पीसीएमबी से, तो आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आप यहां पर कर सकते हैं और ये संबंधित सूचना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। पीसीबी जो है पीसीए से है, एमबीए एमसीए यानी एग्रीकल्चर के लिए जो विद्यार्थी हैं और जो मेडिकल कोर्स के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दी नोटिफिकेशन इसी वीक में आपका आ जाएगा। चलिए, ये बात आपको ठीक समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर बता देते हैं आपको, ठीक है, इसमें सारे प्रोसेस वही दे रखे हैं जो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर ये है, अगर आप इंजीनियरिंग जानना चाहते हैं तो काउंसलिंग करा सकते हैं और एग्रीकल्चर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, उसका प्रोसेस दूसरा है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया पॉइंट टू पॉइंट में। अभी जल्दी आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है, आज की डेट दे रखा तो ये शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा, यानी कितनी कौन से कोर्सेस में किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है तो आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये सर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करिएगा, आपको इसी काउंसलिंग पर बेस और सारी अपडेट मिल जाएगी। हालांकि मैं इंजीनियरिंग पर कभी अपडेट देता नहीं था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब ये देखा नोटिफिकेशन आया हुआ है तो सुबह से मैं इसी सोच रहा था कि इसको कैसे मैं अच्छे संदर्भ में आपको समझा सकूं, तो जरूरत समझा तो इसको वीडियो को मैं बना दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आ जाए, पहले आप सीट देख लीजिए कितना सीट वैकेंट है, आप किस कैटेगरी के हैं, ठीक। इसके बाद देखें यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ से दो चीज डेट है और ये आपकी 19 से स्टार्ट हो जाएगी और 23 तक, यानी 23 तक आपका काउंसलिंग का प्रोसेस ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, च्वाइस फिलिंग और सीट लॉक करना। अब जब पता, जब भी हम लोग चॉइस फिलिंग और सीट लॉक कर देते हैं, इसके बाद रिजल्ट आता है, यूनिवर्सिटी देखेगी कि हमारे मार्क्स के बेस पर, रैंक के बेस पर कौन से हमें कोर्स मिलना चाहिए,
ठीक है, अगर वो लगती है यूनिवर्सिटी को लगता है कि हम इसको स्टूडेंट को लेंगे, तो फिर उसके अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको ये कोर्स उस यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है उसमें जाते हैं, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अगर लग रहा है कि स्टूडेंट्स अच्छा है, इसने एग्जाम दिए हैं, इसकी रैंक है, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होने के बाद आपको फीस उसकी सबमिट करनी पड़ती है और बता देते हैं आपकी क्लास कब शुरू होगी। ये प्रोसेस काउंसलिंग में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ये देखिए लिखा हुआ है, रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 26 मार्च का रिजल्ट आ जाएगा, किस विद्यार्थी कौन सा कॉलेज कहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट राउंड अलाउंट, ये आपका जो 26 से लेकर के 29 तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट, यहाँ प्रोसेस में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। ठीक है, ये आप कब से 27 से लेकर के 27 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कॉलेज में उसमें जा सकते हैं। इसके बाद जब ये यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ये इतना कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद सेकेंड राउंड में देखना हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक मान ली बहुत ज्यादा है, हो सकता है उनको फर्स्ट में वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है सेकेंड राउंड का। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड राउंड के बारे में, यहाँ जो सेकेंड राउंड का जो डेट है वो 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करें 3 से लेकर के 6 दिसंबर तक, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आपकी यही है 6 दिसंबर तक। ठीक है, बाद बाकी आपको छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें चीजें हमारी क्लियर हुई हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। तो बाद बाकी यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है उनके लिए मैं वीडियो कई बार बना चुका हूँ। सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर है इंजीनियरिंग के लिए, वही डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत होगी एग्रीकल्चर नर्सिंग के लिए, किसी भी कोर्स के लिए सेम डॉक्यूमेंट ही है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा। तो आप वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जितने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं आप इनको ढंग से समझ के और एकत्रित करके अपना रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको लगता है कि बीएससी 2022 एग्जाम हमने नहीं दिया है, क्रैक नहीं हो पाया है, रैंक खराब है, तो हम लोगों ने जो भी हाल ही में टारगेट बैच स्टार्ट किया था 8 नवंबर से, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके वीकली टेस्ट इसी संडे से, ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीकली टेस्ट के साथ डेली हम लोग लाइव क्लास देते हैं और उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, और बहुत ही सस्ता कोर्स है, मात्र 2,999 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, क्लास 11th और क्लास 12th का। काफी लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी आप सभी को दे दी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ऐसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।